किया मैंने ऐसा? क्या गलत किया है मैंने? हाँ प्यार किया है ना किसी से, किसी को मार के काट के खेतों में तो ना गाड़ दिया। मैं सब पसंद करते हैं हम दोनों एक दूसरे को, बहुत पसंद करते हैं। सैंडी भी मुझसे बहुत प्यार करता है, शादी करना चाहते हैं हम, क्या गलत है? बहुत अच्छा लड़का है मासा, बहुत अच्छा लड़का है। पर ना आपको कैसे अच्छा लगेगा? आपको तो वो गलत ही नजर आएगा ना, क्योंकि उस शिवा ने कह दिया कि वो गलत है। ऐसा क्यों मासा? तेरे बाबू साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि थारा ब्याह जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, वरना तू तो खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने से ना चूकेगी। और अब मेरा भी यही मानना है कि तू ब्याह करके यहाँ से जितनी जल्दी चली जाए उतना अच्छा। मासा, 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 सही ना कर रही है हमारे साथ। मासा, गोलिये। शिवा, जो आज तूने हमारे साथ किया कभी माफ ना करूंगी तुझे मैं, कभी भी ना। अरे शिवा, थारो धन्यवाद करने के खातिर बुलाया हुआ है तने। मालिक साहब जी, मारी वफादारी आप ही के तो नाम है। मैंने जो किया वो मारा फर्ज था, आपकी इज्जत की रक्षा करना ही तो मारा धर्म है। ना, आज तूने जो किया वो अपने फर्ज से भी ऊपर उठ के किया। आज ये बात अगर सबके सामने ना खुलती ना तो भविष्य में इसके के घातक परिणाम हो सकते थे, ये सोच के भी मेरा मन घबरा जावे है। तूने कहा था ना वो छोरा कनक के लिए ठीक ना है। जी मालिक साहब जी, बल्कि मैंने तो कई और लड़कियों के साथ उसकी कुछ गलत तस्वीरें भी दिखाई थी छोटी मेम साहब को, सोचा उन्हें ये तस्वीरें देख के यकीन आ जाएगा, पर उन्हें तभी तो लोग कह रहे हैं कि प्रेम अंधा हो गया है, और शायद इसलिए मारी लाडो भी अच्छे बुरे का फर्क ना कर पा रही है। शिवराज जी, आज तूने अपनी ईमानदारी और वफादारी से मारे ऊपर जो उपकार किया है उसके बदले में एक और बड़ी जिम्मेदारी तारे कंधे पर डालना चाहूंगा मैं। जी मालिक साहब जी, जब तक कनक की शादी किसी अच्छे खानदान में ना हो जाती तब तक वो थारी जिम्मेदारी है। ले पकड़, नजर रखना उस पे। जी मालिक साहब जी। मिर्ची ना लगे तो एक बात बोलूं जीजो साहब, मैं फिसल गई क्योंकि फर्श चिकनो थो, लेकिन आजकल के जवान छोरा छोरी मुंह के बल इसलिए गिरे हैं क्योंकि जवानी की राय फिसलन भरी है। नए जमाने के छोरा छोरी है जीजो साहब, और ऊपर से ये मोबाइल फोन, उनके एक हाथ में मोबाइल फोन हो गए और दूजे हाथ में दिल लेकर घूमे हैं। और एक मैं हूँ, एक वो दिन थो और एक आज को दिन है। मजाल है मारी नजर इधर से उधर कहीं गई हो, या किसी मर्द पे मारी नियत फिसली हो। जितनी जल्दी हो सके लाडो रानी को विदा कर दो, वरना लड़की जात है, बदनामी होने में देर ना लगे। वाह वाह वाह, क्या बात है मारी चमक चकोरी। अरे आज तो ना कोई तीज है ना त्योहार है, तो फिर इतना जश्न क्यों मनाया जा रहा है? किसी अपने के आने की खुशी में। कौन है बड़ा? समर का फोन आया था, बहुत जल्द आने वाला है। मैं इतनी खुश हो गई कि इतने सारे पकवान बना रही है। उस छोरे का घर आना किसी त्योहार से कम थोड़ी ना है। अरे मैंने तो सोच भी लिया है कि उसके लिए दुल्हन भी अपनी पसंद के ले आऊंगी। अरे इतनी उम्मीद मत बढ़ा चकोरी, कहीं दिल ना टूट जाए। ये है कि वो आज का छोरा है, हो सकता है उसने अपने लिए कोई लड़की पसंद कर रखी हो। है तूने ऐसे सोच भी कैसे लिया? मारे से पूछे बिना वो खुलकर सांस भी ना लेता है। तूने सोचा कि मारे पीछे वो इतना बड़ा कदम उठाएगा और मन उसकी भड़क भी ना लगेगी? ए चकोरी, अरे तू तो भड़क गई, गुस्सा मत कर,
मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अरे जुबान है, फिसल गई, माफ कर दे। मैंने पता है, मैंने उसे जन्म ना दिया है और वो हमारा खून ना है, पर मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उसकी सांसें मारे हवाले है। आज तक मैंने जो कुछ भी चाहा ना, उससे वही किया है। पता है ना तने, जान छिड़कता है हमारे पे वो, और तने लगता है कि वो हमारी पसंद को ठुकरा कर अपनी पसंद की लड़की ले आएगा। पता है, जब समर पहली बार नया फोन खरीदा था, तू फोन ले आया? हाँ, लेकिन सिर्फ वो जो आपको पसंद था। सच बताओ, ये मणे पसंद था इसलिए लाया या तने पसंद था इसलिए लाया? ताई जी, आपके समर को वही पसंद है जो आपको पसंद है। मारे लौटे सर, आज तक अपने कपड़ों के रंग से लेके किताबों तक तूने वही किया है जो मैंने चाहा है। मैंने पता है, तू बहू भी मारे पसंद की ही लाएगा। ताई जी, ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा। जिसने मुझे जिंदगी दी वो आप हो, तो ये फैसला भी आप ही करोगे। बेटा, जब तुम्हारे पे इतना विश्वास करता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है समर अब बड़ा हो गया है, अपना फैसला खुद ले सकता है, लेकिन वो बदला ना है। अगर यकीन ना होता तो जब वापस आएगा आजमा लेना। समर मारे प्यार को समझता है और मारे प्यार के पीछे छुपा डर भी।